बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को लिए एक प्रीपोजिशन पे सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तमाम टेस्ट के लिए। आप देखें, पता चलेगा कितना इम्पॉर्टेंट है तमाम टेस्ट के लिए। पहला प्रीपोजिशन है द सेलिब्रिटी वॉज ड्रेस्ड डैश वाइट। देखें, द सेलिब्रिटी वॉज ड्रेस्ड डैश वाइट। इन टू आएगा, विथ आएगा, इन आएगा या फॉर आएगा, क्या आना चाहिए इसमें? जब भी कोई कलर दिया हुआ हो, रेड व्हाइट ब्लैक ब्लू, किसी भी कलर का नाम दिया हुआ हो तो उससे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है? इन लिखना है। क्या लिखना है? इन लिखना है। तो कौन सा सही हुआ हमारा? द सेलिब्रिटी वॉज ड्रेस्ड इन व्हाइट। सेकेंड देखें, आर यू फेमिलियर डैश दिस अथर? आर यू फेमिलियर डैश दिस अथर? फेमिलियर विद दिस अथर, फेमिलियर टू दिस अथर, एट दिस अथर, ऑफ दिस अथर, कौन सा आना चाहिए? विद दिस अथर? नहीं, बिल्कुल गलत। क्या आना चाहिए? जब भी फेमिलियर, फेमिलियर किसी बंदे के साथ हो, पर्सन के साथ हो, तो क्या आएगा? टू आएगा। लेकिन फेमिलियर अगर किसी भी मैटर के साथ हो, या सिचुएशन के साथ हो, या किसी प्लेस के साथ हो, सिचुएशन या प्लेस के साथ हो, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? विथ इस्तेमाल करेंगे। तो इधर क्या आया? आर यू फेमिलियर दिस अथर? दिस अथर किसी भी बंदे का नाम आ रहा है, किसी बंदे से रिलेटेड है, इसमें क्या आएगा? आर यू फेमिलियर टू दिस अथर? समझ आ गई आप लोगों को? थर्ड देखें, सदफ ऑलवेज टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। सदफ ऑलवेज टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी टू, ऑन, फॉर या इन, क्या आएगा? जब भी आपको प्राउड का लफ्ज दिखाई दे तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है? आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन प्राइड के साथ हमेशा क्या यूज होना है? इन यूज होना है। तो इधर क्या आया? सदफ ऑलवेज टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। शाबाश। फोर्थ देख लें, ही फेल्ट ए विक्टिम डैश द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स। ही फेल्ट ए विक्टिम डैश द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल्स। ऑफ, टू, ऑन या बाय? जब भी विक्टिम से पहले, जब भी विक्टिम से पहले अ नजर आए आपको, जब भी विक्टिम से पहले अ नजर आए तो आप लोगों ने आंख बंद करके आगे क्या लिखना है? टू लिख देना है। लेकिन यही विक्टिम से पहले अगर आपको आर्टिकल द नजर आए तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? ऑफ इस्तेमाल करना है। इधर क्या है? ही फेल्ट अ विक्टिम, ही फेल्ट अ विक्टिम देख द इनजस्टिस ऑफ द करप्ट ऑफिशियल, क्या आएगा इसमें? टू आएगा। शाबाश। फाइव देखें, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ, इसमें क्या आना चाहिए? कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के बाद क्या आएगा? हमेशा टू आएगा। ये क्या है? एफ पी है। एफ पी का मतलब फिक्स प्रीपोजिशन। कंजूसी के बाद हमेशा क्या आना है? टू आना। सिक्स देख ले, वी आर ऑल इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। वी आर ऑल इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम, फॉर, ऑफ, टू और एट। इंडिग्नेंट हो, इंडिग्नेंट हो या एंग्री हो, सिनोनिम है। जब भी इंडिग्नेंट नजर आए
या एंग्री नजर आए, और अगर ये दोनों किसी बंदे के साथ हो तो क्या आएगा? विद इस्तेमाल होगा। अगर आप किसी बंदे से नाराज हैं, किसी बंदे से इंडिग्नेंट है, तो क्या आएगा? विद आएगा। आई एम एंग्री विद यू फॉर एग्जाम्पल। और अगर यही एंग्री और इंडिग्नेंट अगर किसी भी मैटर के साथ हो, किसी भी मामले के साथ हो, तो उस जगह पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? एट का इस्तेमाल होगा। शाबाश। तो क्या आएगा? वी आर ऑल इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। तो इधर क्या इस्तेमाल होगा? एट का इस्तेमाल होगा। आगे द इनजस्टिस डन टू हिम, किसी बंदे के साथ नहीं, द इनजस्टिस। लास्ट देख लें, द इंटरव्यूअर वाज प्लीज डैश हिज ऑनेस्टी। द इंटरव्यूअर वाज प्लीज डैश हिज ऑनेस्टी। जब भी आपको प्लीज्ड नजर आए, क्या नजर आए? प्लीज्ड। प्लीज्ड के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है आप लोगों को पता ही है? विथ। और अगर डिसप्लीज्ड हो, और अगर डिसप्लीज्ड आए, तो इसके बाद क्या इस्तेमाल होता है? एट इस्तेमाल होता है। शाबाश। द इंटरव्यूअर वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये सेकेंड लेक्चर प्रीपोजिशन का? अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस तरीके की वीडियो में और भी मुझे मोटिवेशन मिले, इस तरीके की आपको बेहतरीन किस्म के लेक्चर दे पाऊँ। तो आप लोगों ने लाजमी अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।